किसी ने यह खूबसूरत बात कही है कि पलट कर जवाब देना गलत बात है। पलट कर जवाब देना गलत बात है, लेकिन सुनते ही रहो तो लोगों के बोलने की हद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां उस ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी उन सभी लोगों के लिए जो ये तो मानते हैं कि जवाब देना एक बहुत गलत बात है। हर बात बात पे तर्क करना, हर बात बात पे जवाब देना एक गलत प्रैक्टिस है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग हमें ज़िंदगी में ऐसे मिल जाते हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए एक मज़ेदार खूबसूरत कहानी से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक बुजुर्ग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। संयोग से वो कोच खाली था। तभी वहाँ 8-10 लड़के कोच में आते हैं और बैठ के मस्ती करने लगते हैं। एक लड़का उनमें से कहता है कि चलो चलो जंजीर खींचते हैं। तब दूसरा लड़का पहले वाले लड़के को समझाता है कि देखो यहाँ लिखा है कि 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद है। तब तीसरा लड़का कहता है कि इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपये जमा कर देंगे। अब उन लोगों ने, खासकर उन लड़कों ने, सबको हेकड़ी दिखाकर चंदा इकट्ठा किया और कहा कि अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो हम तुम्हें फंसा देंगे। अब चंदा इकट्ठा करने के बाद 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब 100 के थे। चंदा पहले लड़के के जेब में रख दिया गया। अब तीसरे ने कहा, चल मजे करते हैं, पैसे भी आ गए हैं और अब जंजीर खींचते हैं, और अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे इस बूढ़े ने खींचे हैं, अब तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और सारे पैसे की मौज उड़ाएंगे। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा कर कहा, बेटा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन वो लड़के थोड़ा आवारा प्रवृत्ति के थे, वो नहीं माने। जंजीर खींची गई। जंजीर खींचने के बाद टीटी आया सिपाहियों के साथ। लड़कों ने उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। तब टीटी ने बूढ़े से बोला, शर्म नहीं आती इतनी उम्र में ऐसी हरकत करते हो। बुजुर्ग हाथ जोड़कर बोला, साहब मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बड़ी मजबूरी थी। अब टीटी ने कहा, क्या मजबूरी थी। बूढ़े ने कहा, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे जिसे इन लड़कों ने छीन लिए, मेरे साथ मारपीट की, और इस पहले वाले लड़के ने अपनी जेब में वो 1200 रुपये रखे हैं जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब 100 के हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा, इस लड़के की तलाशी लो। जैसा बुजुर्ग ने बताया था वैसे ही नोट मिलाए गए। अब लड़के की जेब से 1200 रुपये बरामद हुए, जिनको टीटी ने बुजुर्ग को वापस कर दिया और लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के साथ जाते हुए लड़कों ने बुजुर्ग की ओर घूर कर देखा तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा पहली बात तो किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, और याद रखो जब कोई व्यक्ति अपनी साथ हुए किसी भी गलत अन्याय का बदला लेने आएगा तो एक न एक दिन तुम्हें उसका हर्जाना जरूर भरना पड़ेगा।